गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वहाँ पे अभी मैं बैठ गई हूँ। नाश्ता वास्ता मैंने सबको बना लिया है। और नाश्ता बनाने के बाद मैं नहाई आज। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ कि कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है बताओ। और बस यही नाश्ता आज हमने चिल्ला बनाया था, तो मैं आज डालूंगी वीडियो में। और चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आज। तो फ्रेंड्स, हम लोग किचन में आ गए हैं और यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ। और मतलब अपने जितना यूज़ करना है मुझे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना आपके फैमिली हो। और मैं इसमें बेसन ऐड कर लूँगी और उसके बाद में मैं ऑनियन वाला बनाऊँगी। तो मैंने छोटे छोटे प्याज कटिंग कर लिए हैं और इसमें सब ऐड कर रही हूँ अभी। उसके बाद में ग्रीन चिल्ली मैंने कटिंग करके रख लिया है पहले से ही, तो मैं ग्रीन चिल्ली डालूँगी स्वाद के लिए, क्योंकि स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद में इसका चिल्ला बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़ीरा मैं ऐड करूँगी। और आप वेजिटेबल भी कोई भी ऐड कर सकते हो, आपको जो भी पसंद हो छोटे छोटे चॉप करके डाल सकते हो। और ज़ीरा और फिर हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ और कलर के लिए, ताकि इसका अच्छा कलर दिखे। और उसके बाद में पानी डाल के और नमक स्वाद अनुसार, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेना है। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा पानी डाल के मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा बेसन में कोई दाने ना रह जाए और थोड़े छोटे छोटे बबल्स टाइप के हो जाते वो ना रहे, तो अच्छा बनता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। और ज़्यादा ना गाढ़ा रहे ना पतला रहे, वैसा बनाना है बैटर मुझे। इस तरीके से देखिए आप लोग, ये सब बता रही हूँ। और बैटर कुछ इस तरीके से रहेगा, फिर मैं बनाऊँगी इसको। और नाश्ते में ये अच्छा भी लगता है, खा लो तो एक एक सब लोग खा लेते हैं, अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे तवा गरम कर ली हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेता है तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा ऑयल डाल ले रही हूँ और उसके बाद में मैं बैटर फैलाऊँगी इस पर। दो बड़े चम्मच जितना मैं बैटर डाल दूँगी, जैसा आप लोग देख ही रहे हो उसमें। इस तरीके से दो बड़े चम्मच में फैला के और फिर अच्छा एकदम लो मीडियम आंच पे इसको अच्छी तरीके से हम सेकेंगे, क्योंकि उसमें प्याज है तो वो कच्चा ना रह जाए। और थोड़ा सा तो थोड़ा सा स्लो आंच पे हम बनाएंगे ना, तो क्या है कि प्याज भी और जो भी हम वेजिटेबल ऐड किए रहेंगे वो सब अच्छी तरीके से हमारा पक जाएगा। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो और कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आप लोग पसंद करते हो वो सब वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। तो ये देखो इस तरह से हम बना रहे हैं, और अच्छा पक जाए तो फिर उसके बाद हम दूसरी साइड पलट देंगे इसको। धीरे धीरे हमारा स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। यहाँ पे धूप बहुत आ रही है, गर्मी लग रही है, डायरेक्ट किचन से गर्मी आती है, यहाँ पे पूरा धूप ही आ जाता है तो गर्मी लगती है। और इसको देखिए, और धीरे से पलटेंगे क्योंकि ये थोड़ा पतला रहता है और बैटर हल्का गीला रहता है, तो जो हो जाए दूसरी साइड तो मैं अच्छे से पलटूँ ताकि हमारा ये चीला टूटे रहे। और बहुत सारे चीला, मूंग दाल चीला और जो भी आप लोग चीला खाए वो सब बहुत सारे चीला बनते हैं, तो मैं तो आज बेसन का बना रही हूँ। और आप लोगों को कौन सा पसंद है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मैं इसके साथ करौधा की चटनी बनाने वाली हूँ। टमाटर की आज नहीं बनाएंगे, करौधा घर पे था तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और करौधा के क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना ज़रूर से। और सिंपल सा आज नाश्ता है, आज हमारे घर का यही नाश्ता है, देखिए आप लोग। और आप लोग भी बनाइए, अच्छा लगे तो और खाइए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ और गर्मी बहुत लगी रही है, तो ये मत सोचना कि मैं किससे बात कर रही हूँ। बन के हमारा रेडी हो गया चीला, और इसका देखिए कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चटनी बनाने के लिए करौधा डाल रही हूँ चॉपर में,
उसके बाद में मिर्ची मैंने 4 ऐड की है क्योंकि स्पाइसी थोड़ा सा बनाना है, और ये करौंदा बहुत खट्टा होता है तो क्या है कि तीखा भी चला जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, लहसुन डालना है, मिर्ची डालना है और नमक ऐड करना है और अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो घर प्याज धनिया नहीं है इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला है, आप लोग धनिया भी डाल सकते हैं। तो करौंदा की चटनी और ये चीला हमारा, बेसन चीला ऑनियन वाला प्याज वाला बन के रेडी हो जाएगा नाश्ते में। आज मैं ये बनाने वाली हूँ तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो इतना ही सब मैंने ऐड किया है चटनी में, मिर्ची और लहसुन और करौंदा और नमक। बस इसको मैं अच्छी तरीके से अपने चॉपर में पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, और आप मिक्सर में पीसेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। चीला एंड चटनी हमारी रेडी हो गई है, आ जाइए आप लोग भी खाने, बताइए कैसा लग रहा है। और आप लोग लाइक करें और शेयर करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए वीडियो आप लोग। और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय बाय।